थैलेसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जो जिसके परिवार में हो जाती उसके लिए दुख का विषय है, और मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे लखनऊ में जहाँ से वीडियो बना रहे हैं वहाँ पर रक्त पूरक चैरिटेबल फाउंडेशन थैलेसीमिया के पेशेंट्स को, जिनको कि हर हफ्ते ब्लड चाहिए होता है, उनको ब्लड अवेलेबल करा के एक बहुत ही पुनीत कार्य कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उनको साधुवाद देते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि एक ऐसा रेयर वीडियो है जिसकी दवाएं होम्योपैथी में ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। इस वीडियो में हमने तमाम दवाएं बताई हैं, आपको ठीक लगे तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा उन लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए जिसको वास्तव में थैलेसीमिया से दिक्कत है और पूरे पूरे परिवार खत्म हो रहे हैं, शायद यह वीडियो उनके काम आ जाए। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग थोड़ा गंभीर विषय पर बात करेंगे और विषय है थैलेसीमिया का। थैलेसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जो जिसके परिवार में होती है, जिसके घर में होती है, पूरा घर उसका डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि यह जेनेटिक डिसऑर्डर है, डीएनए का डिसऑर्डर है, यह पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी तक के लिए दिक्कत दे देता है। और जो ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है थैलेसीमिया के इलाज में, वह जो तामीरदार होता है, पेशेंट का अटेंडेंट होता है, वह उसको पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि हर हफ्ते ब्लड चाहिए होता है। आप एक बार अपने रिश्तेदार से ब्लड मांग लोगे, दो बार ब्लड डोनेशन के लिए मांग लोगे, कब तक मांगोगे या कब तक आप इंतजाम करोगे, कब तक आप खरीदोगे? तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। हम आपको साथियों बताएंगे ऐसी 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपको थैलेसीमिया शायद मैं ठीक ना कर पाऊं, क्योंकि यह जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, लेकिन हो सकता है उसके मैनेजमेंट में आपकी मदद कर दें। तो हम आपको ऐसी 10 दवाएं बताएंगे और ये उम्मीद करेंगे भगवान से, ये प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले से, दुआ करेंगे कि ऊपर वाला आपकी मुश्किल को आसान करे, क्योंकि यह वीडियो आप तभी देख रहे होंगे जब आपके परिवार में शायद किसी को दिक्कत हो। तो ये अच्छी दवाएं हैं साथियों, मैं वादा नहीं करता जो दवाएं बताऊंगा इनका कि ये क्या करेंगी, बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं हुई, बहुत ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ ये कारगर दवाएं हैं, हम लोग अपने क्लिनिक पर देखते हैं और कई मरीजों में इन दवाओं से सुधार भी, इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलता है। बताते हैं आपको 10 कारगर दवाएं जो आपके थैलेसीमिया के मैनेजमेंट में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ठीक करने में, आपके मैनेजमेंट में आपकी मुश्किलों को आसान करने में कारगर होंगी। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं थैलेसीमिया होता क्या है। थैलेसीमिया साथियों एक ब्लड का ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है। जब व्यक्ति के मरीज के हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है तो उसका पूरा सिस्टम डिरेंज हो जाता है, क्योंकि ब्लड इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ द बॉडी। तो जब आपके लाइफ लाइन में डिस्टर्बेंस होगा तो आपको डिस्टर्बेंस होगा। तो यह एक तरह का डीएनए का म्यूटेशन होता है, डीएनए म्यूटेट होता है और वह आपको थैलेसीमिया को रिजल्ट करता है। बात कर लेते हैं साथियों थैलेसीमिया के सिम्टम्स की। थैलेसीमिया के सिम्टम्स में साथियों सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है फटीग, कमजोरी आना, वीकनेस, डार्क यूरिन होना, बोन्स में डिफॉर्मिटी होना, आपकी कलर का स्किन पेल होना, यानी कि वाइटिश येलोइश होना, लालिमा जाना स्किन की, यह सब सिम्टम होते हैं जो थैलेसीमिया से एसोसिएटेड होते हैं। साथियों अब बात कर लेते हैं थैलेसीमिया के कारणों की, कॉजेस की। थैलेसीमिया का तब स्थिति बनती है जब आपका जो ऑक्सीजन कैरिंग कंपोनेंट ब्लड का हीमोग्लोबिन होता है, इसमें इसको बनाने वाले सेल्स म्यूटेट कर जाते हैं, तब मरीज को थैलेसीमिया होता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है इसमें दो चेन से ये बना होता है, एक अल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन होती है। जब अल्फा चेन में डिस्टरबेंस होता है, दिक्कत होती है, तो उसको अल्फा थैलेसीमिया कहते हैं, और जब बीटा चेन में दिक्कत होती है, डिफरेंस होता है, तो उसको बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। जो अल्फा थैलेसीमिया होता है साथियों, यह इसकी सीवियरिटी जो है, इसका जो
अगली जनरेशन में जो इसका सिम्टम्स का दिखना है वह इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितना जीन म्यूटेटेड इनहेरिट करा है। और जो बीटा थैलेसीमिया होता है साथियों, इसमें इस बात पे सीवियरिटी निर्भर करती है कि आपने हीमोग्लोबिन की चेन का किस पार्ट को इनहेरिट करा है। तो यह दो बातें हैं इसमें जो एक जानकारी देने भर की आपको हैं। बाकी इसमें पूरा इसका एक मैकेनिज्म होता है कि 1 जीन 2 जीन 3 जीन इफेक्ट होता है, लेकिन शायद वो यहाँ पे बात करने का विषय नहीं है। हम बताते हैं साथियों आपको थैलेसीमिया को मैनेज करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। यह आपके मैनेज करने के लिए हैं, क्योंकि थैलेसीमिया एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि अपने पेरेंट्स से अपने बच्चों को पास होता है, चाइल्ड को पास होता है। तो इसके लिए आपको जेनेटिक काउंसलिंग किसी डॉक्टर से करना भी आवश्यक होता है, इसका मैनेजमेंट भी हॉस्पिटल में आवश्यक होता है। लेकिन जो हम आपकी मदद अपने से करते हैं, आपको देते हैं नॉलेज, वह हम इस वीडियो में आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं थैलेसीमिया को मैनेज करने की कारगर होम्योपैथिक दवाएं। थैलेसीमिया में साथियों मसल की वेस्टिंग, मसल की वीकनेस, क्रैम्प्स, फटीग, यह सब साथ में होता है। तो एक कॉमन दवा, जनरल दवा जो है हर थैलेसीमिया पेशेंट को ले लेनी चाहिए उसके वीकनेस को ख़त्म करने के लिए, वो है थैरिडियन 3X। इसका 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार आप थैलेसीमिया पेशेंट को उसके वीकनेस, मसल क्रैम्प्स, वेस्टिंग ऑफ द मसल्स और ट्विचिंग ऑफ द मसल्स, इनको ख़त्म करने के लिए, उनका डलनेस, ड्राउजीनेस को ख़त्म करने के लिए दे सकते हैं। एक अच्छी दवा है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ थैलेसीमिया। पहली कंडीशन जो साथियों आती है थैलेसीमिया में, वह यह है कि आपका जो RBC होता है वह उसके शेप्स डिफरेंट हो जाते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसल्स की जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनके सेल्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो उस स्थिति में आपके जो है वह थैलेसीमिया की कंडीशन होती है, और इस स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है एंटीपायरिनम 3X। आप एंटीपायरिनम 3X की 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपके RBC सेल्स आपस में डिफर कर रहे हैं तो एंटीपायरिनम 3X मे बी अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यू। एक स्थिति साथियों थैलेसीमिया की कंडीशन में आती है कि जो आपका स्पाइन होता है उसका मैरो वेस्ट होने लगता है। बोन मैरो जो है आपके स्पाइन का, वह एक वेस्टिंग होने लगती है, उसका मिस मैनेजमेंट होने लगता है आपकी स्पाइन में, आपके शरीर के द्वारा थैलेसीमिया के केस में। तो अगर यह स्थिति साथियों है तो इस स्थिति को भी रोकने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है थायोसिनेमिनम 3X। 3X पावर में बहुत कारगर यह दवा होती है। आप इसकी 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जिसका वेस्टिंग ऑफ बोन मैरो हो रहा है, उसका यह बोन मैरो की डिग्रेडेशन रोकेगी और उसकी तकलीफों को कम करने में मदद करेगी। एक स्थिति थैलेसीमिया में आती है कि जब आपके RBC एबनॉर्मली ग्रो करने लगते हैं, उनकी ग्रोथ, उनका साइज की ग्रोथ होने लगती है, वह स्थिति आती है थैलेसीमिया में। अगर वह स्थिति है साथियों तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आर्सेनिक एल्बम। आप आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, उस मरीज को दे सकते हैं जिसको थैलेसीमिया है। तो जो एबनॉर्मल ग्रोथ है RBC सेल्स की उसको रोक के आपके थैलेसीमिया को मैनेज करने में मदद करेगा। एक स्थिति साथियों आती है थैलेसीमिया की कंडीशन में कि आपके मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, खिंचाव आने लगता है, तो उस स्थिति को ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है फॉस्फोरस। आप फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। अगर आपके मसल्स में क्रैम्प आ रहा है या फिर मसल्स में ट्विचिंग हो रही है थैलेसीमिया के केस में, तो फॉस्फोरस बहुत कारगर दवा है, वह मसल्स के क्रैम्प को रोक देगी। साथ में एक और दवा है क्यूप्रम मिटैलिकम, यह दवा भी आप ले सकते हैं। यह दोनों दवाएँ मिलकर आपके क्रैम्प्स को और मसल की ट्विचिंग को थैलेसीमिया के में रोकने में बहुत कारगर है। एक स्थिति साथियों आती है जब आपको सेल अनीमिया हो जाता है, सेल्स की स्कैर्सिटी हो जाती है।
अगर वह स्थिति आप में है तो उस स्थिति की थैलेसीमिया को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है प्यूराइटिकम एसिडिकम। इसको आप 30 पावर में दो दो बूंद दिन में दे सकते हैं। यह दवा जो आपकी सेल का अनीमिया हो गया, सेल अनीमिया हो गया, उसको ख़त्म करके आपके सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। एक स्थिति आती है साथियों पेरिनिशियस अनीमिया में कि आपका RBC एबनॉर्मल होता जाता है, उसका प्रोग्रेसिव तौर पर साइज बढ़ता जाता है और मरीज इससे परेशान रहता है। तो उस स्थिति को पेरिनिशियस अनीमिया और थैलेसीमिया जो एक साथ होता है, उस स्थिति को मैनेज करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एसिड पिक्रिनम। आप एसिड पिक्रिनम 30 पावर में दो दो बूंद तीन बार मरीज को दे सकते हैं। यह दवा आपके थैलेसीमिया को ठीक करती है, आपके पेरिनिशियस अनीमिया को ठीक करती है, जो और RBC का साइज इंक्रीज होता जाता है अबनॉर्मल, उसको रोक के आपकी मुश्किलों को आसान करने में मदद करती है। थैलेसीमिया का जो साथियों सबसे बड़ी स्थिति होती है वह यही होती है कि RBC और हीमोग्लोबिन आप कम करने होने लगता है, और उसको बढ़ाने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कैल्केरिया आर्सनिकम। आप कैल्केरिया आर्स 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार उस मरीज को दे सकते हैं जिसको RBC और हीमोग्लोबिन के सेल्स को बढ़ाने की आवश्यकता हो। यह दवा उसके घटने को रोकने और उसको बढ़ाने में कारगर सिद्ध हो सकती है थैलेसीमिया पेशेंट के केस में। एक स्थिति साथियों थैलेसीमिया में आती है किसी मरीज के सामने कि बार बार जॉन्डिस होने लगता है। अगर यह स्थिति हो कि मरीज की स्किन बहुत पेल हो रही हो, पीलापन आ रहा हो और बार बार उसको जॉन्डिस हो रहा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है फॉस्फोरस। आप फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। यह आपके रिकरेंट जॉन्डिस को रोकेगी और आपको एक कॉम्प्लिकेशन के साथ दूसरे कॉम्प्लिकेशन से बचाएगी और आपके जीवन को थोड़ा आसान बनाने में मदद करेगी। फिर साथियों थैलेसीमिया के केस में एक और बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में, वह है फेरम मिटैलिकम 1x। फेरम मिटैलिकम 1x बच्चों के लिए बहुत कारगर है थैलेसीमिया के केस में, वह RBC को बढ़ाने में और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में बच्चों के केस में, चाइल्ड के केस में बहुत मदद करती है और लाभ देती है। अगर किसी बच्चे को थैलेसीमिया है तो आप फेरमेट को फंक्शन में ला सकते हैं, ऑपरेशन में ला सकते हैं, दवा देने की क्रिया में ला सकते हैं, यह बच्चे के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। थैलेसीमिया में साथियों जो बेसिक दिक्कत आती है वह यही आती है कि आपका RBC काउंट बहुत गिरने लगता है, और उसको बढ़ाने की, उसको डबल करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नेट्रियम कोकोडिल। इसको आप 1x पावर में दो दो टैबलेट तीन बार पेशेंट को दे सकते हैं। यह RBC प्रोडक्शन को डबल कर देती है, बहुत कारगर दवा है थैलेसीमिया में, और जिसको सूट कर गई तो उसको यह बहुत कष्टों से बचाने में मददगार हो सकती है। आप इस दवा को जिसका RBC लगातार गिरता जा रहा है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यह दवा देके उसकी समस्या को मैनेज कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों थैलेसीमिया में आती है, जैसा हमने वीडियो के शुरू में भी कहा था कि बार बार आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसे मरीज का कराना पड़ता है, तो उस ट्रांसफ्यूजन के जो गैप होता है उसको बढ़ाने, यानी इंटरवल को बढ़ाने के लिए होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है, और यानी कि सेल के डिकम्पोजिशन को रोकने की बहुत कारगर दवा है लिकैसिस। आप लिकैसिस 1 mg पावर में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली दे सकते हैं मरीज को। यह सेल के डिकम्पोजिशन को रोकेगी और आपको समस्याओं को कम करने में संभावित तौर पर मदद करेगी। ये साथियों को दवाएं थी थैलेसीमिया के मैनेजमेंट की। हो सकता है दवाएं आपको ठीक ना कर पाए साथियों, लेकिन ये संभावित है पूर्णतया, यह दवाएं आपकी परेशानी को कम करने में मदद करेंगी। एक बहुत ही ये भावुक टॉपिक था बातचीत के लिए, एक बहुत ही गंभीर विषय था बातचीत के लिए। इसके वीडियोस हमने देखा कि कहीं नहीं ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो हमने कहा आपको ऐसी दिक्कत का भी वीडियो बनाया जाए। आपसे निवेदन करूंगा साथियों, यह दवाएं जानकारी के लिए हैं, कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही कोई भी दवा लीजिएगा। यूँ अपने मन से दवा लेना समझदारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यह अच्छी दवाएं हैं आपके थैलेसीमिया को मैनेज करने के लिए। आपके मन में कोई क्वेरी हो
तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में आप क्वेरी को लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब दे पाए। निवेदन करेंगे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि यह विषय बहुत गंभीर है, जिसको होता है उसको बहुत तकलीफ होती है, इसलिए आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, किसी के लिए जानकारी के लिए उपयुक्त लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके यूं ही हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपका साथियों, हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।